नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन चमत्कारी उपायों के बारे में जो खतरनाक से खतरनाक बीमारियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। ये उपाय किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में अपनाए जा सकते हैं। कई लोग बीमार रहते हैं और लगातार दवाओं का सेवन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीमारी खत्म नहीं हो पाती है। इस वजह से वह लगातार परेशान रहने लगते हैं। अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाकर पैसा भी पानी की तरह बहा देते हैं, उसके बाद भी कोई फायदा उन्हें देखने को नहीं मिलता। नेत्र रोग से परेशान है और इसके लिए अब तक कई डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं या फिर दवाओं का सेवन कर रहे हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको महाशिवरात्रि की रात्रि के 12 बजे के वक्त शिवलिंग पर थोड़ा शहद और बेलपत्र चढ़ाना है। साथ ही शहद को किसी पात्र में इकट्ठा करके घर ले आना है। उसके बाद आपको करीब 3 महीने तक उस शहद को काजल की तरह आँखों पर लगाना है। ऐसा करने के साथ ही आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। इस उपाय से आपके आंखों की रोशनी बढ़ने के साथ ही कई समस्या खत्म होगी। इन चमत्कारी उपायों को अपनाकर आप अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन का आनंद उठा सकते हैं। आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपके पास कोई सुझाव या अनुभव है तो कृपया नीचे कमेंट्स में साझा करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए शुभकामनाएं।